हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? होप आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की इस नई वीडियो में बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया के फर्स्ट ट्वेंटी मैच प्रेडिक्शन के बारे में। एंड दोस्तों ये जो मैच है न्यूजीलैंड में ही खेला जाएगा 18 नवंबर 12 बजे जो कि दोपहर में। और दोस्तों इस मैच में बता दूं कि इस वीडियोज में गिवे भी है आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री। तो कैसे ज्वाइन करेंगे, तो वीडियोज के साथ बने रहें। एंड दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आप रेगुलरली जो कि हर मैच में ये सोच करके जाते हैं कि काश आज हम ग्रैंड लीग विन कर जाएं, बट आप लोगों के पास बहुत सारी नॉलेज नहीं होती मैच से रिलेटेड, यानी कि टीम बनाने से पहले, जैसे कि पिच रिपोर्ट की सटीक जानकारी, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, वेन्यू रिकॉर्ड्स, प्लेयर स्टेट्स एनालिसिस और रिसेंट परफॉर्म, और एक दूसरे के गेम्स में किस प्रकार से खेलते हैं ये भी आपको पता नहीं होता। तो दोस्तों हर मैच में टीम बनाने से पहले आपको ये पता होना बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो चलिए फिलहाल मैं आपको बताऊंगा और पांच ग्रैंड लीग टीम्स जो कि मैं आपको यहाँ पे प्रीव्यू देने वाला हूँ, और यही सारी चीजें देखते हुए जो कि मैंने बनाया हुआ है उन पांच टीमों को और उनका प्रीव्यू भी मैं आपको देने वाला। एंड आप लोग अगर मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होंगे तो आपको पता होगा किस प्रकार की मैं आपको धमाल टीम देता हूं जिसमें आप अच्छा खासा विन कर लेते हैं। इन्हीं सारी टीमों का मैं प्रयोग दूंगा कि किस तरीके से मैंने इनको क्या सोचकर बनाया है वो मैं आपको क्लियर करने वाला। दोस्तों इस वीडियोस का लाइक एम रखते हैं सिर्फ और सिर्फ 20, होप आप लोग कंप्लीट करवा देंगे। हर बारी आप उम्मीद से ज्यादा करवाते हैं तो 20 लाइक तो आप लोग कर ही देंगे। गिवे रूल्स आप सुन लीजिए, आपको बताना है इस मैच में बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन कौन होने वाला, कॉमेंट्स करिए। और फर्स्ट गिवे जो कि होगा 15 रुपीज से 100 रुपीज तक दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे आप लोगों का सपोर्ट बनेगा तो गिवे का जो प्राइस है वो बढ़ता जाएगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे फिलहाल न्यूज एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैच की, जो कि इंडिया टूर है न्यूजीलैंड के लिए और 2022 में फर्स्ट ट्वेंटी मैच खेला जाएगा जिसमें इंडिया की नई टीम होगी और बहुत से प्लेयर जो कि वहाँ पे नए होंगे, कैप्टन भी नया है हार्दिक पंड्या, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे देखिए कैप्टनसी इंडिया टीम की हार्दिक पंड्या करने वाले हैं, न्यूजीलैंड के केन विलियमसन। हैट्रिक रिकॉर्ड्स अगर हम दोस्तों देखते हैं तो लास्ट के 3 ईयर्स में 9 मैच दोनों टीम के बीच में खेले गए हैं जिसमें इंडिया ने 6 विन करे, न्यूजीलैंड ने 1, और ये सारे ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे मैच बता दूं आपको कि इंडिया में हुआ है दोस्तों। न्यूजीलैंड में आपको पता होगा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो भी टी20 मैचेस होते हैं, जो भी टीम हो, तो न्यूजीलैंड ही ज्यादातर विन करती है दोस्तों, ठीक है, अपने होम ग्राउंड में, ये आपको बता देता हूं मैं। और पिच रिपोर्ट की जानकारी अगर हम बात करें तो फिलहाल स्काई स्टेडियम वेलिंगटन में ये मैच होने वाला है। पिच रिपोर्ट देखिए टोटल टी20 प्लेयर यहाँ पे 20 मैचेस खेले गए जिसमें बैटिंग फर्स्ट 7 एंड 20 बैटिंग करने वाली टीम 7 मैच विन करी, ठीक है। एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं हाईएस्ट स्कोर जो कि यहाँ पे जिस टीम ने बनाया है 2019 में, न्यूजीलैंड ने ही बनाया 219 इंडिया के गेम्स में, और न्यूजीलैंड ने यहाँ पे 195 दूसरी बार भी हाईएस्ट स्कोर बनाया, जो कि सबसे लोवेस्ट यहाँ पे बनाया पाकिस्तान ने 101, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि दोस्तों इस पिच पे भी न्यूजीलैंड का काफी बढ़िया परफॉर्मेंस है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं एवरेज जो कि इस स्टेडियम में कितने रन बन सकते थे, फर्स्ट इनिंग यहाँ पे 150 से 170 तक का स्कोर रहेगा, बैटिंग पिच होगी दोस्तों, और यहाँ पे पेस बॉलर्स के लिए इंपॉर्टेंट पिच रहने वाली है। मोस्ट रिसेंट टी20 लीग की अगर हम बात करते हैं जो कि यहाँ पे खेला गया है ऑस्ट्रेलिया वर्सेज न्यूजीलैंड, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने 142 बनाया था 8 विकेट के नुकसान पे, यहाँ पे न्यूजीलैंड चेस करते हुए 143 बना ली थी। तो मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं विकेट का मार्जिन कितना है, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को यहाँ पे 8 विकेट से न्यूजीलैंड ने हरा दिया इसी ग्राउंड पर। तो मतलब आप समझ सकते हैं होम ग्राउंड काफी बढ़िया, काफी मजबूत है, काफी ज्यादा एडवांटेज है न्यूजीलैंड के पास। और रिसेंट 5 T20 हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करते हैं दोनों टीम में, देखिए दोस्तों न्यूजीलैंड ने यहाँ पे 5 मैचेस में लास्ट के जो इंडिया के गेम्स में हुए 4 लॉस है और 1 विन है। मतलब ये मैच जो विन वाला है T20 वर्ल्ड कप 2021 का दोस्तों जो खेला गया था। एंड उसके बाद यहाँ पे सारे के सारे जो इंडिया ने विन करे हैं, ये सारे के सारे मैच जो है इंडिया में ही हुए थे दोस्तों, ठीक है। एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रोबल प्लेइंग के बारे में, ईशान किशन, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, ये 3 जो कि टॉप ऑर्डर के बैट्समैन होंगे, उनके साथ साथ चौथे नंबर पर सूर्य कुमार यादव। और आपको क्या लग रहा है ईशान किशन के साथ इंडिया टीम में कौन ओपन करने वाला, आप लोग अपनी स्किल बताएं और कॉमेंट्स जरूर करें। देखिए ईशान किशन लास्ट के कुछ मैचेस में आपने देखा है कि ODI या हो या T20 सभी मैचेस से ड्रॉप थे। हेड टू हेड देखते हैं तो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 2 मैचेस में 33 रन बनाए, 16 का एवरेज बिल्कुल फ्लॉप है, पिच पे भी कुछ ठीक ठाक नहीं है। एंड दोस्तों इनको टीम में रखना चाहें तो मैं आपको बता दूं फर्स्ट इनिंग ये 29 के एवरेज से बैटिंग करते हैं, 20 इनिंग में ये 33 के, तो मतलब कि ठीक ठाक बैटिंग ये कर सकते हैं। और एक हिसाब से बता दूं कि काफी समझदार प्लेयर्स भी हैं दोस्तों, ठीक है, बट फ्लॉप ज्यादातर रहे हैं अभी रिसेंटली के मैचेस में, तो टीम में आप इनको भी रख सकते हैं। शुभमन गिल देखिए ODI मैचेस वेस्ट इंडीज के खिलाफ हुआ था और काफी अच्छा इनका परफॉर्मेंस था, और इन्होंने न्यूजीलैंड के गेम्स में एक भी मैच नहीं खेला और ना ही इस पिच पे, अब 35 के ओवर से फर्स्ट इनिंग बैटिंग करते हैं 20 मैचेस में और 20 इनिंग में 26, तो आप इनको फर्स्ट इनिंग में ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। श्रेयस अय्यर देखिए काफी समझदार प्लेयर्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के कैप्टन भी हैं। एंड दोस्तों थे मतलब अभी आपको बता दूं दोस्तों यहाँ पे देखेंगे इनके परफॉर्मेंस के बारे में, तो फिलहाल हेड टू हेड मैचेस में इन्होंने 11 मैच खेले हैं, 212 रन बनाए हैं न्यूजीलैंड के गेम्स में, 30 का एवरेज है। आप दोस्तों सोच रहे होंगे कोलकाता नाइट राइडर्स के मतलब थे का क्या मतलब है, तो देखिए बहुत सारे चेंजमेंट होते हैं अभी IPL 2023 में, वो आपको देखने को मिलेंगे। तो पिच रिपोर्ट अगर हम बात करते हैं तो पिच में इन्होंने 1 मैच खेले और 1 मैच में 1 ही रन है श्रेयस अय्यर का दोस्तों, तो मतलब देखिए कि गेम्स में 30 का एवरेज है, पिच में फ्लॉप है, तो इनके ऊपर भी रिस्क रहेगा। टीम में अगर बात करें रखने की तो 20 इनिंग में आप इनको चेसिंग में रख सकते हैं, 45 के ओवर से खेलते हैं, फर्स्ट इनिंग में 26 के ओवर से,
सूर्य कुमार यादव बात करते हैं, देखिए सभी लोगों के कैप्टन वाइस कैप्टन एंड जो कि आपको पता होगा ये बड़ी टीम के अगेंस्ट में कभी भी बढ़िया नहीं खेलते। 3 मैच खेले न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में, 63 रन है, 21 का एवरेज है। एंड दोस्तों अगर हम वेन्यू की बात करते हैं, इस पिच में इन्होंने एक भी मैच नहीं खेला है बट काफी सारी हिट लगाई है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं वर्ल्ड कप में बड़े सारे के सारे छोटे टीम के खिलाफ है, बड़ी टीम के अगेंस्ट में कोई भी अर्धशतक नहीं है दोस्तों। तो इनके टीम में रखने का मतलब ये होगा कि आप सोच समझ कर ही रखें, न्यूजीलैंड कोई छोटी टीम नहीं है दोस्तों, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन भी आपको सोच समझ के रखना है। हार्दिक पांड्या स्पेस वाले प्लेयर रहेंगे, स्पेल कवर भी कराएंगे 3 से 4 बार एंड उसके साथ साथ कैप्टन भी हैं और बैटिंग भी करने वाले दोस्तों, ठीक है। एंड डिसेंट परफॉर्म देख सकते हैं यहाँ पे। और बात करते हैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में, उन्होंने 8 मैच खेले हैं, 64 रन बनाए हैं, 10 का एवरेज है बट 8 इनिंग में 4 विकेट भी हैं। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं। इस पिच पे अगर बात करते हैं दोस्तों, 1 मैच में 4 रन है, पिच पे थोड़ा सा बॉलिंग इतनी बढ़िया हुई है, 1 इनिंग में इन्होंने 2 विकेट निकाली हुई है। टीम में रख लीजिए, स्पेस रहेगा और आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाएंगे तो सेफ प्लेयर रहेंगे क्योंकि वर्ल्ड कप 2022 में भी देख रहे हैं तो अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी टीम हो सभी में बढ़िया करके आ रहे हैं, विकेट ले रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं। ऋषभ पंत आपको विकेट डिस्ट्रक्शन से मिल जाएगा दोस्तों। और बहुत सारे सोच रहे हैं संजू सैमसन, देखिए संजू सैमसन के जहां तक पहले मैच में बहुत कम चांस है, 7 मैच इन्होंने खेले हैं न्यूजीलैंड के गेस्ट में, 117 रन बनाए हैं, 29 का एवरेज है, इस पिच पे 4 रन बनाए हैं 1 मैच में दोस्तों। अगर हम टीम में रखने की बात करें कि बहुत नीचे बैटिंग रहेगी बट जिस हिसाब से हम अगर सोचेंगे, देखिए यहाँ पे जो कि न्यूजीलैंड के बॉलर्स इस सोथी का भी बढ़िया परफॉर्मेंस है, टीम साउथी मिचेल सैडनर के इस पिच पे भी दोस्तों और अगेंस्ट में भी बढ़िया है, तो उस हिसाब से ऋषभ पंत का बैटिंग मिलना बहुत मतलब बड़ी बात नहीं होगी, बैटिंग मिल भी सकती, तो आप इनको टीम में रख भी सकते हो कि एवरेज इनका 29 का है हेटेड रिकॉर्ड्स में। एंड दीपक हुडा जो कि आपको ऑलराउंडर सेक्शन में मिलेंगे दोस्तों, और ये स्पिन बॉलर्स भी हैं, स्पेल के ओवर 1-2 मिल सकते हैं और फिलहाल बैटिंग तो आपको पता है डाउन रहेगी। इन्होंने हेटेड में एक भी मैच नहीं खेला, ना ही पिच पे खेला है और फर्स्ट इनिंग अगर हम बात करते हैं 30 के ओवर से बैटिंग करते हैं और दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो 20 इनिंग की तो फिलहाल ये 78 के ओवर से, मतलब कि 20 इनिंग इनकी काफी बढ़िया रहती है, 3 मैचेस में 78 रन बट इनको बैटिंग बहुत कम मिलती है, स्ट्राइक रेट इनका काफी बढ़िया रहता है दोस्तों, ठीक है। और जहां तक मैं टॉस के बाद सब कुछ क्लियर कर दूंगा, हो सकता है दीपक हुडा से भी ओपन कराया जा सके ईशान किशन के साथ, ठीक है, या शुभमन गिल, देखते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल पर आप लोग ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। हर्षद पटेल जो कि अगर हम देखते हैं दोस्तों तो रिसेंट परफॉर्म यहाँ पे और ज्यादातर इनकी इकोनॉमी जो कि हाई हुई थी, 10 रन 12 रन हर प्रति ओवर दे रहे थे, हेड टू हेड में इन्होंने एक भी मैच न्यूजीलैंड के गेम में नहीं खेला, इस पिच पे इन्होंने 2 मैच खेले, 2 इनिंग में 4 विकेट है, मतलब विकेट मिलने के चांसेस रहेंगे हर्षद पटेल को, और पेस बॉलर से दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट इनिंग में 9 इनिंग में 11 विकेट है, 20 इनिंग में बात करते हैं तो 13 में 15 विकेट है, मतलब बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकते हैं और विकेट मिलने के चांसेस यहाँ पे इनको रहेंगे तो टीम में आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए सबसे ज्यादा यहाँ पे भुवनेश्वर कुमार के ऊपर लोगों की नजर रहेगी जो काफी ज्यादा एक्सपर्ट है क्योंकि ये इन मतलब टीम को देखते हुए सबसे आप मतलब पुराने प्लेयर यही होने वाले, लेजेंड प्लेयर्स यही रहेंगे टीम में, इंडिया टीम में, तो दुखी थे इनके परफॉर्मेंस के बारे में। तो 9 इनिंग 8 विकेट न्यूजीलैंड के गेस में विकेट लिए हैं 9 इनिंग में, 1 इनिंग में 2-1 विकेट यहाँ पे भी, मतलब परफॉर्मेंस इनका भी ठीक हो सकता है और फर्स्ट इनिंग में 33 में 35 विकेट हैं, 20 इनिंग में 51 में 54, मतलब चांसेस रहेंगे दोस्तों इनको, ठीक है। 85 टोटली मैचेस खेले टीम लीग के और 84 विकेट हैं, तो मतलब टीम में आप इनको भी एक रख सकते हैं। अर्शदीप सिंह सभी की टीम में रहने वाले हैं एंड दोस्तों इन्होंने हेड टू हेड में न्यूजीलैंड के गेस्ट में एक भी मैच नहीं खेला, ना ही पिच में खेला है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे अगर हम इनके परफॉर्मेंस की देखिए, T20 वर्ल्ड कप में बढ़िया परफॉर्मेंस था, फर्स्ट इनिंग में 4 इनिंग में 9 विकेट है, 20 इनिंग में 15 में 20 और ओवरऑल 19 मैचेस खेले T20 लीग के और फिलहाल यहाँ पे 29 विकेट है, मतलब यहाँ चांसेस रहेंगे और डेथ ओवर बॉलर्स भी रहने वाले हैं। यजुवेंद्र चहल जो कि आपको स्पिन बॉलर्स मिलेंगे बट यहाँ पे इनके परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें दोस्तों, बहुत ज्यादा खराब था परफॉर्मेंस आपने देखा है, चाहे वो T20 रहा हो एशिया कप का या तो फिलहाल और भी मैचेस रहे हो, तो बहुत खराब परफॉर्मेंस था बट यहाँ पे अगर हम देखते हैं स्पिन बॉलर्स के लिए पिच सपोर्टेड नहीं है बट हो भी सकते क्योंकि मिचेल सैंडर को भी हेल्प मिल रही है इस पिच में, 11 इनिंग में उन्होंने 8 विकेट निकाली है दोस्तों हेडवर्ड में और पिच पे 2 इनिंग में 2 विकेट, तो मतलब इनको भी विकेट मिल सकती है और आप एक टीम में इनको भी रख सकते हैं दोस्तों। बेंच प्लेयर यहाँ पे देख सकते हैं मोहम्मद सिराज वसिंग से सुंदर रहने वाले हैं। एंड दोस्तों अगर हम बात करते हैं न्यूजीलैंड के प्रबल प्लेइंग के बारे में, तो फेन एलन, डेविन कॉनवे, केन विलियमसन, गिलेन फिलिप्स टॉप ऑर्डर के बैट्समैन रहेंगे और डेविन कॉनवे फेन एलन जो कि ये ओपन करने वाले दोस्तों। एंड फेन एलन की अगर हम बात करते हैं एक हिटर बैट्समैन है बट अगर T20 वर्ल्ड कप में देख रहे हैं दोस्तों, इन्होंने लास्ट के 2 मैचेस में ही अच्छा कमबैक किया, बाकी सभी मैचेस में फ्लॉप थे। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में उन्होंने काफी अच्छा पारी खेली थी, यहाँ पे 14 गेंद में 42 रन मारी थी, तो आप समझ सकते हैं। और हेड टू हेड में अगर बात करते हैं एक भी मैच नहीं खेला, ना ही पिच पे दोस्तों, फर्स्ट इनिंग में 24 के ओवर से बैटिंग करते, 20 इनिंग में 24 के, तो मतलब इनको टीम में रखने का मतलब ये होगा, देखिए ग्राउंड उतना बड़ा है नहीं, बैटिंग पिच है तो चांसेस इनके बन सकते हैं और होम ग्राउंड है तो मतलब आप समझ ही सकते हैं, बट इन्होंने एक भी मैच इस पिच पे नहीं खेला है तो चांसेस रहेंगे, आप इनको एक टीम में जरूर रख लीजिएगा। डेविन कॉनवे की बात करते हैं दोस्तों, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काफी अच्छे अच्छे रन बना करके आए हैं, ये T20 वर्ल्ड कप में 92 रन बना रहे थे, नॉट आउट थे।
एंड उसके साथ 28 और 21। हाइटवुड में एक मैच में 2 रन है इंडिया टीम के अगेंस्ट में, बट परफॉर्मेंस बहुत खराब कर सकते हैं। बट इस पिच पे 30 की ओवर से बैटिंग करते हैं, फर्स्ट इनिंग में 49 की ओवर से, 20 इनिंग में भी 49 की ओवर से, मतलब ये टीम में रहने लग प्लेयर के काफी लेजेंड प्लेयर्स हैं और मतलब काफी ज्यादा इनके पास एडवांटेज है बैटिंग करने के लिए और अच्छी पारी खेल भी जाते हैं। दोस्तों केन विलियमसन की अगर हम बात करते हैं, देखिए हेडवर्ड में इन्होंने 12 मैच खेले हैं इंडिया टीम के अगेंस्ट में, 358 रन 32 की एवरेज है। इस पिच पे 7 मैच में 180 रन 25 की एवरेज है। स्ट्राइक रेट थोड़ा सा कम रहता है, 132 से 126 का रहता है। बट दोस्तों अगर हम रिसेंट इनके T20 वर्ल्ड कप में देख रहे हैं 2022 वाले में, जब भी रिसेंटली होकर के आए 46, 61, 40, मतलब अच्छा कमबैक दोस्तों, मतलब हर मैच में बढ़िया पॉइंट्स और अच्छे खासे रन भी बनाए, तो आप इनको एक सेफ कैप्टेंसी या वाइस कैप्टेंसी के साथ जा सकते हैं, बट टीम में रखने लायक ये प्लेयर दोस्तों होने वाले हैं। ठीक है, केन विलियमसन। ग्लेम्स ब्रिज की अगर हम बात करते हैं, शतक लगा क्या रहे हैं अभी रिसेंटली, एंड यहाँ पे 2 मैचेस में काफी अच्छा पारी खेली है इन्होंने, देख सकते हैं यहाँ पे। एंड अगर हम बात करते हैं न्यूजीलैंड इंडिया के अगेंस्ट में, न्यूजीलैंड के जो प्लेयर हैं 6 मैचेस खेले हैं, 45 रन है दोस्तों, 11 के एवरेज है, मतलब कि टीम इंडिया के अगेंस्ट में बिल्कुल फ्लॉप है। बट यार कुछ नए बॉलर्स यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, आपको ये भी पता होगा, टीम भी नहीं है, तो उस हिसाब से मैं आपको बता दूं कि परफॉर्मेंस इनका थोड़ा सा ठीक हो सकता है, क्योंकि अभी लास्ट के मैचेस में देख रहे हैं कि अच्छा परफॉर्मेंस ये वर्ल्ड कप में करके आ रहा है। 4 मैचेस इन्होंने खेले, 51 रन बनाए, 17 का एवरेज है इस ग्राउंड में, मतलब पूरे तरीके से दोस्तों फ्लॉप है। अगर हम टीम में रखने की बात करें तो फर्स्ट इनिंग में 38 की ओवर से बैटिंग करते हैं, 20 इनिंग में 22, तो मतलब फर्स्ट इनिंग में आप इनको ट्राई कर सकते हैं। एंड दोस्तों आप वर्ल्ड कप के हिसाब से भी इनके साथ जा सकते हैं जिसमें परफॉर्मेंस ये करके। डैरियल मिचेल देखिए लास्ट के मैचेस में 8 शतक लगाए थे, नॉट आउट थे और मतलब अच्छा कॉम्बैक था यहाँ पे दोस्तों, देख सकते हैं T20 वर्ल्ड कप में। तो और अगर बात करते हैं हेडवर्ड में, तो इंडिया टीम के अगेंस्ट में इन्होंने 9 मैच खेले, 119 रन 14 की ओवर है। इस पिच पे अगर बात करते हैं 13 मैच में 17 रन, मतलब बिल्कुल फ्लॉप है दोस्तों। एंड अगर हम टीम में रखने की बात करें, देखिए जब आपको रखना है, जब न्यूजीलैंड चेस कर रही हो तो मतलब विकेट गिरने के चांसेस हो जाते हैं, न्यूजीलैंड का चेस बहुत खराब है दोस्तों। ये मैं आपको बता दूं, इंग्लैंड के अगेंस्ट में भी हुआ था, आपने पता होगा T20 वर्ल्ड कप में कितना बुरे तरीके से इंग्लैंड ने हराया था, तो मतलब आप समझ सकते हैं। तो चेसिंग न्यूजीलैंड का खराब है, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं चेस में। एंड जेम रिसम अगर बात करें दोस्तों, स्पेल के ओवर नहीं करा रहे हैं, बाकी पेस बॉलर्स हैं और 3 मैच इन्होंने टीम इंडिया के अगेंस्ट में खेले बिल्कुल फ्लॉप, और इस पिच पे इन्होंने 5 मैच में 59 रन है, 19 के एवरेज है, मतलब बैटिंग ऑर्डर भी डाउन है दोस्तों। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे अब उस हिसाब से इनको मतलब कि जिम्मेदारी भी नहीं दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती कि मतलब ये बैटिंग करने आए या बॉलिंग कराएं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता दोस्तों। ठीक है, तो आप इनको टीम से ड्रॉप भी कर सकते हैं। मिचेल सैंटन जो कि स्पिन बॉलर्स है और काफी लेजेंड प्लेयर्स हैं, एंड रिसेंट अगर परफॉर्मेंस की बात करें, देखिए हर मैच में विकेट ये लेकर के आ रहे हैं, यहाँ पे देखिए 3 विकेट 2 विकेट 2 विकेट ऐसा करके 16 मैच इन्होंने खेले हैं टीम इंडिया के गेम्स में, जिसमें 16 विकेट है और रन भी बनाए हैं 95-15 का एवरेज भी है। एंड इस बीच पे बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं, 8 मैच में 14 रन भी बनाए हैं और 8 इनिंग में 11 विकेट भी है, मतलब देखिए कि टीम इंडिया के गेम्स में बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं और इस पिच पे भी बढ़िया कर रहे हैं। और दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए, मिशेल सैंटन ने जब टीम के इंडिया के गेम्स में जो खेले मैचे सभी अच्छे प्लेयर थे, बैट्समैन थे, तब इन्होंने इतनी अच्छी विकेट निकाली, तो अभी आप समझ सकते सारे के सारे नए और युवा बैट्समैन होंगे टीम इंडिया में, तो मतलब इनको अच्छी खासी भाई बॉलिंग और विकेट मिल सकती है दोस्तों। ठीक है, समझ सकते हैं आप। टीम साउथी की अगर हम बात करते हैं, तो हेडवर्ड में 15 मैचेस खेले हैं इन्होंने, 15 विकेट हैं, इस पिच पे 10 में 17 विकेट हैं, मतलब टिम साउथी भी ट्रम्प कार्ड होने वाले हैं। इस वक्त ही सबसे बढ़िया ट्रम्प कार्ड होंगे जो कि स्पिन बॉलर्स हैं, बट स्पिन फ्रेंडली पिच भी नहीं है, बट इनका उम्मीद अगर आप देखेंगे तो इस पिच बढ़िया कर रहे हैं, देखेंगे अगर इनकी परफॉर्मेंस की, तो इंडिया के अगेंस्ट में इन्होंने 15 इनिंग में 20 विकेट निकाली है और इस ग्राउंड पे 8 इनिंग में 17 विकेट है दोस्तों इस पिच पे, तो मतलब सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड यह होंगे, सिलेक्शन इनका बहुत कम होने वाला है, तो आप इनको जरूर अपने टीम में रखें और कैप्टन के साथ भी जाएं ग्रैंड लीग में, आपका ये बढ़िया परफॉर्मेंस करके जरूर देने वाले हैं। लॉकी फर्गुसन देखिए दोस्तों, जो कि अभी फिर से कोलकाता नाइट राइडर्स ने इनके ट्रेड किया इनको IPL में, ठीक है, ऑक्शन में, अब देखते हैं इनके परफॉर्मेंस का। तो 4 इनिंग में 4 विकेट हैं टीम इंडिया के अगेंस्ट में, इस पिच पे 2 इनिंग में 4 विकेट है दोस्तों। एडम मिलर की अगर बात करते हैं, तो 6 इनिंग में 3 विकेट हैं हेडवर्ड में, इस पिच पे 2 में 5 विकेट है, मतलब इनका भी चांसेस बन सकता है इस पिच के पिच को देखते हुए दोस्तों। अब यहाँ पे बात करें कि मेरी टीम 5 क्या रहेगी, तो आपने एनालिसिस देख लिया, स्टेट जिसने पिच रिपोर्ट को मैंने बता दिया, हेडवर्ड रिकॉर्ड देख लिया, अब जो मेरी टीम होगी मैं आपको शो करा देता हूँ, इन्हीं के थ्रू मैंने टीम जो बनाई हुई है दोस्तों। और बाकी दोस्तों स्क्वायर देख लिए, कुलदीप यादव भी हैं एंड उसके साथ साथ यहाँ पे आपको बहुत सारे जो कि उमरान मलिक भी, मोहम्मद सिराज भी और वासिंग सुंदर भी, ये सारे के सारे जो कि आपको प्लेयर मिल जाएंगे मतलब कि स्क्वाड में। बाकी आप देखेंगे वेन्यू में सबसे बढ़िया करने वाले हैं अदर मिलने भी, सोती लौकी पर कुशन, देवेंद्र कौर, हार्दिक पंड्या जो कि इस पिच पे कर रहे हैं। हेडवर्ड में अगर हम बात करते हैं, श्रेयस अय्यर, हर्षल पटेल, केन विलियमसन, ये सारे के सारे बढ़िया करने वाले प्लेयर हैं जो कि एक दूसरे के गेस्ट में दोस्तों। अब बात करते हैं मेरी टीम जो होगी 5, वो मैं शो कराता हूँ। तो दोस्तों अगर हम बात करें पहली टीम की, देखिए मेरी ये टीम रहेगी और युजवेंद्र चहल को मैंने ड्रॉप कर रखा है टीम से, ठीक है, अदर मिलने युजवेंद्र चहल को, और उनको कब पिक करना है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर बताऊंगा। एंड गाइस यहाँ पे मैं कैप्टन वाइस कैप्टन भी चेंज कर सकता हूँ, बट ये सिलेक्शन जिस हिसाब से परफॉर्मेंस है उस हिसाब से मैं इनके साथ जाना चाहता हूँ पहली टीम, एंड मेरी दूसरी टीम ये रहने वाली है, ठीक है। और तीसरी टीम अगर हम बात करते हैं, जो मैंने 5 ग्रैंड लीग्स बनाई है अपने लिए, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तीसरी टीम ये रहेगी। और जरूरी नहीं कि आप मेरी टीम से ही खेलें दोस्तों, आपको एनालिसिस मैंने बता दिया, आप उस हिसाब से भी जा सकते हैं। तीसरी टीम मेरी ये रहेगी। एंड चौथी टीम की अगर हम बात करें दोस्तों, ये मेरी रहने वाली है, ठीक है,
मैं इसके साथ भी जा सकता हूँ। एंड पांचवी टीम अगर हम बात करते हैं तो पांचवी टीम मेरी ये रहने वाली दोस्तों, ठीक है। और अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने टीम साउथी को मिचेल सैंडल के साथ कॉम्बिनेशन करा है, मतलब ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरी पांच खुद की टीम होगी दोस्तों, बट मैं इनमें कुछ चेंजमेंट भी कर सकता हूँ वो टॉस के बाद, लाइनअप अनाउंसमेंट के बाद। और क्योंकि यहाँ पे अगर आप सेम टीम से जाते हैं तो टीम क्राइस भी हो जाएंगे, और दोस्तों कुछ चेंजमेंट करना बहुत जरूरी हो जाएगा, तो आप खुद से भी कुछ चेंजमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने हिसाब से भी टीम बना सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए मेरी फाइनल टीम के लिए। और होप गाइस वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करके ऑल का ऑप्शन जरूर दबा लें। और दोस्तों आपको ऐसे ही T20 मैच के प्रेडिक्शन वीडियोस और भी जो मैचेस होंगे सबके मिलेंगे, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं एक सूट में, जय हिंद जय भारत।